दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम रेस्टोरेंट और कैफे स्टाइल में बिल्कुल चीजी सब्जियों से भरा हुआ मॉइस्ड सा ये लज़ानिया जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बेहद पसंद होता है। और इसे हमने बिना ओवन के, बिना लज़ानिया शीट के, बिना किसी मुश्किल तामझाम के बनाया है और बहुत ही टेस्टी सा बन के तैयार हो जाता है। अगर आपको यकीन ना हो तो पूरी रेसिपी देखिए। हेलो दोस्तों, त्रिवेणी पाकशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूले, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हमारे आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा चैनल के बारे में फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और आंच को हमने धीमा रख रखा है। तेल गर्म होने पर 10 से 12 काली मिर्च और एक तेज पत्ता डाल देंगे और इन्हें हम 5 से 6 सेकंड के लिए चला लेंगे। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप किसी भी न्यूट्रल फ्लेवर के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 500 ग्राम रफली कटे हुए टमाटर। तो अच्छे लाल टमाटरों का इस्तेमाल करें जो सख्त हो, थोड़े ज़्यादा गीले या कच्चे टमाटरों का इस्तेमाल सॉस को बनाने में नहीं करें। इनकी अगर टमाटर अच्छे नहीं होंगे तो इनकी वजह से सॉस का कलर और टेस्ट दोनों ही बिगड़ जाता है। तो टमाटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप रफली कटा हुआ प्याज और प्याज को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक जिसकी वजह से प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 कप पानी और पानी के साथ प्याज और टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर ढक्कन लगाकर 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। बीच बीच में इसे चेक भी करते रहेंगे। तो 10 से 12 मिनट बाद काफ़ी अच्छे से ये मिश्रण पक गया है, टमाटर भी गल चुके हैं और प्याज भी गल चुकी है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और जो तेज पत्ता है इसे हटा लेंगे। उसके बाद इसे पूरी तरह से ठंडा करके हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। एक कढ़ाई को हमने गैस पे चढ़ा दिया है, इसमें डाल देंगे 4 टेबलस्पून बटर, साथ ही में इसमें हम 3 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे और आंच को बिल्कुल धीमा रखेंगे। अच्छी तरह से हमें इस मिश्रण को चलाते रहना है, यानी कि बटर को मेल्ट होने तक और मैदा को भी साथ ही साथ में चलाते रहेंगे। इसकी वजह से मैदा भी नहीं जलेगा और बटर भी नहीं जलेगा। तेज़ आंच पर इसे सेकने की गलती ना करें, नहीं तो बटर भी जलेगा और मैदा भी जल जाएगा और जो सॉस हम बनाने जा रहे हैं उसमें टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से बटर हमारा पिघलने लगा है और साथ ही में मैदा भी हल्का हल्का सा सिकने लगा है। तो मैदा का कलर हमें बिल्कुल नहीं बदलना, इस बात का ध्यान रखें। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद ये मिश्रण काफ़ी अच्छे से सिक गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच मिक्स हर्ब। अगर आपके पास मिक्स हर्ब नहीं है तो आप इसमें ऑरिगेनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध डालना है। मैंने यहाँ पर 350 ml दूध लिया है। अगर आप कप से देखते हैं तो 2.25 कप के करीब ये दूध है और दूध रूम टेम्परेचर पे सेट होना चाहिए। तो ये देखिए दूध डालने के बाद काफ़ी अच्छे से हम इसे लगातार मिक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी क्रीमी टेक्सचर तैयार हो रहा है। एक भी गुठली इसमें नहीं है और अब हमने बचा हुआ दूध भी इसमें डाल दिया है। और अच्छी तरह से दूध डालने के बाद भी इसे 2 से 3 मिनट हमें पकाना होता है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा सॉस तैयार हो रहा है। अब हम इसमें 1/4 छोटी चम्मच नमक और 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोस्तों अगर आपने सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है तो आप नमक बिल्कुल नहीं डालें। मैंने अनसॉल्टेड बटर का इस्तेमाल किया था और अब 2 से 3 मिनट बाद ये बहुत अच्छे से पक गया है। न बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, न बहुत ही ज़्यादा पतला है। बस अब हम इसे गैस से उतार कर साइड में रख लेंगे। फिर से हमने एक पैन लिया है, अब इसमें हम डाल देंगे ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून। आँच को हम धीमा रखेंगे। तो ये 2 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें तेल डाल दिया है और इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई लहसुन और लहसुन को हम 5 से 10 सेकंड के लिए चला लेंगे। तो लहसुन की महक भी काफ़ी अच्छे से कम हो जाती है और लहसुन थोड़ा पक भी जाती है। और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज और टमाटर वाला मिश्रण जो हमने पहले बनाया था और उसके बाद ठंडा करके पीस लिया था। बहुत ही महीन हमने इसे पीसा है और इसे हम अच्छी तरह से एक बार चला लेंगे। और अब हम इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस डाल देंगे थोड़े से, जिसकी वजह से सॉस और भी टेस्टी बने। तो यहाँ पर 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच मिक्स हर्ब, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, साथ ही में थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अगर आपको हरी मिर्च नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों ये रेड सॉस थोड़ा टाइम लेता है, पहले भी 10 से 12 मिनट लेगा और अभी भी ये 10 मिनट और ले लेगा। अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून टमाटो केचप या टमाटो सॉस, जो भी आपके पास हो उसे डालकर मिक्स कर लें।
और अब हम ढक्कन लगाकर फिर से इसे 8 से 9 मिनट तक पकाएंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो 8 से 9 मिनट बाद काफ़ी अच्छे से ये गाढ़ा हो गया है और ये पूरी तरह से अब तैयार है। इसे भी हम साइड में रखेंगे। फिर से हमने पैन को गैस पर चढ़ाया और इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और साथ ही में 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई लहसुन, और फिर से हम इन्हें सौते कर लेंगे। और जैसे ही लहसुन थोड़ी सी पक जाए तब हम इसमें डाल देंगे 1 कप मीडियम साइज़ में कटे हुए प्याज। प्याज को भी हमें सिर्फ थोड़ा सा चला लेना है, सब्जियों को हमें ज़्यादा गलाना नहीं है यहाँ पर। इसमें हम डाल देंगे 1 कप बेबी कॉर्न, और बेबी कॉर्न को भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है क्योंकि ये थोड़ा सा समय लेते हैं। 2-3 मिनट हो जाने के बाद इसमें हमने गाजर डाल दी है 1/2 कप के करीब, और अच्छी तरह से गाजर को भी चला लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मिली जुली शिमला मिर्च, जिसे बेल पेपर भी कहते हैं, तो मीडियम साइज़ में ही हमने इन्हें काटा है। इन्हें हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इन्हें हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए सब्जियां हमारी बहुत ही अच्छे से तैयार हो रही हैं, और आंच को आप मीडियम टू लो के बीच में अब कर दें क्योंकि अगर सब्जियां जल गई तो स्वाद अच्छा नहीं आएगा लज़ानिया में। और अब हम इसमें डाल देंगे बॉइल्ड कॉर्न, ये उबले हुए कॉर्न हैं जिन्हें हमने उबाल लिया है, और इसी के साथ ब्लांच की हुई ब्रोकली डालेंगे 1/2 कप के करीब। ब्रोकली को हमने गर्म पानी में 2 से 3 मिनट के लिए उबाल कर ठंडा कर लिया है, फिर ही डाला है। 1 टीस्पून मिक्स हर्ब डालेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, साथ ही में 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों सब जगह पर इतनी सब्जियां मिले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसे सिर्फ प्याज शिमला मिर्च और लहसुन के साथ बनाकर भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छी तरह से सभी सब्जियों को हमें मिक्स करना है, और ध्यान रहे ज़्यादा गलाना नहीं है, इनका क्रंच बना के रखना है। तो सब्जियां हमारी रेडी हो गई, इन्हें भी साइड में रख लेंगे। यहाँ पर हमने 8 स्लाइस ब्रेड की ली है जिनके किनारे निकाल लिए हैं, और अब हम इन्हें बेलन की मदद से बेल लेंगे। तो पतला हमें इन्हें बेलना है सभी तरफ से। दोस्तों बेसिकली जो लज़ानिया होता है वो लज़ानिया शीट से बनता है, पर लज़ानिया शीट सभी जगह पर अवेलेबल नहीं है, और घर में भी इन्हें बार बार बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार। तो ब्रेड सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आसानी से सभी जगह मिल जाता है। तो सभी ब्रेड को हमने तैयार कर लिया, और यहाँ पर हमने एक फ्राई पैन लिया है। अगर आप माइक्रोवेव या ओवन में बना रहे हैं तो कोई भी बेकिंग डिश ले लें, और इस तरीके से सॉस इसमें डाल देंगे जो लाल वाला हमने तैयार किया है, साथ ही में वाइट सॉस भी डाल देंगे। और एक मोटी परत हम सॉस की पहले लगा लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डालेंगे, और इस तरीके से ब्रेड को हम अरेंज कर लेंगे, यानी कि हमें ब्रेड से पूरा पैन कवर कर लेना है। तो यहाँ पर आपको ब्रेड को काटना भी पड़ता है, तो आप आराम से काट कर इसे सेट कर लें, और फिर से थोड़ा सा सॉस लगाएं। और अब हम इसमें डाल देंगे वेजीज, तो थोड़ी सी सब्जियों की मात्रा इसमें डाल दें और अच्छी तरह से फैला लें। और इसमें अब हम डाल देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़े से मिक्स हर्ब, और साथ ही में मोज़रेला चीज़, और एक्स्ट्रा चीज़ी बनाने के लिए इसमें हम डाल देंगे ये चीज़ के स्लाइस, क्योंकि लज़ानिया में काफ़ी फ्लेवर चीज़ का आता है, बहुत ही अच्छा लगता है, तो चीज़ की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। फिर से हम डाल देंगे सॉस, और फिर से वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे जो हमने पहले किया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने पैन के हिसाब से 2 लेयर या 3 लेयर आराम से अरेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ब्रेड को हमने लगा दिया है, और फिर से अब हम इसके ऊपर सॉस डाल देंगे। तो बस आपको सेम प्रोसेस ही रिपीट करना है इसमें। तो अगर आप 3 लेयर करते हैं तो भी आपको यही प्रोसेस आराम से रिपीट करना है। तो देखा दोस्तों आपने, बहुत ही आसानी से ये काम हो जाता है। लज़ानिया का प्रोसेस थोड़ा लंबा रहता है, लेकिन यकीन मानिए जब ये लज़ानिया पूरी तरह से बन के आप खाएंगे तो आपकी पूरी थकान दूर हो जाएगी, बहुत ही टेस्टी बनता है। और फाइनली अब हम इस पैन को कवर कर लेंगे चीज़ के स्लाइस से। तो चीज़ इसमें कम से कम 7 से 8 स्लाइस आराम से लग जाते हैं, और जितनी मात्रा मैंने आपको बताई है उसमें से आप 4 से 5 लोगों को लज़ानिया पूरी मात्रा में सर्व कर सकते हैं। तो पूरी तरह से हमने इसे मोज़रेला चीज़ से और चीज़ स्लाइस से कवर कर लिया है, और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी मिक्स हर्ब, और अगर थोड़ी सब्जियाँ बच जाए तो उन्हें भी ऊपर की तरफ इस तरीके से डाल दें ताकि वे भी अच्छे से पक जाएँ, और सब्जियों की वजह से लज़ानिया और भी टेस्टी लगता है। तो अगर आप इसे ओवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्री पर 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं, पर हम इसे गैस पे ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक मोटे तवे को 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है, यानी कि 10 मिनट पहले इसे हमने गैस पर धीमी आँच पर गर्म किया है, और पैन को रख देंगे, और अब हम ढक्कन लगा देंगे और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
तो तकरीबन 20 मिनट बाद चीज़ काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गया है और बहुत अच्छे से लज़ानिया पक गया है। इसकी बहुत अच्छी महक आ रही है, तो अब ये सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ये लीजिए, हमारा लज़ानिया बिना ओवन के और बिना शीट के ही घर में आसानी से तैयार हो गया है। और अब हम इसके पार्ट कर लेंगे, यानी कि इसे काट लेंगे, ताकि सर्व करने में हमें आसानी हो। अगर हम इसे ऐसे ही सर्व करेंगे तो बहुत ही अनइवन लगेगा, तो बहुत ही आसानी से कट जाता है और बहुत ही जूसी और मॉइस्ड सा हमारा लज़ानिया बना है। तो ये लीजिए, काफ़ी अच्छे से लज़ानिया हमारा तैयार है। और ये देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, सॉस का टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छे से आएगा और साथ ही में वेजीज़ का टेस्ट एकदम अलग है। तो बहुत ही मिला जुला टेस्ट रहता है ये, और यकीन मानिए बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये बेहद पसंद आएगा। बिना किसी झंझट के, बिना किसी तामझाम के आसानी से चीज़ें घर में तैयार हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप भी सरल से बनने वाले लज़ानिया को ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने परिवार के साथ इसका आनंद लें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा दें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो ढेर सारा लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करें। अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खाओ पियो और स्वस्थ रहो।